Now today we study Mendel's law. Firstly, we know who is Mendel. Mendel was a monk. और दूसरा है law of segregation. और भी है वो आगे जब पढ़ेंगे हम लोग तब पढ़ेंगे. Law of segregation. Law of segregation. Okay. Law of dominance and law of segregation दिया. इन्होंने mono hybrid cross कराया. ठीक है. इन्होंने जब mono hybrid cross कराया तो इनको जो F1 generation है इनको same variety मिला. ठीक है. F1 generation में same variety मिला. ठीक है. जब इन्होंने F1 generation में selfing कराया तो इन्हें F2 generation मिला. और जो वेरिएंस था, जो वेरिएंस, ये वेरिएंस यानी दोज कैरेक्टर विच आर हिडन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म विच अपीयर इन द F2 जनरेशन. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेंडल्स का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो देखते हैं. एंड उसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस. जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो का मतलब सिंगल. ठीक है. मोनो मेंडल्स फर्स्टली टैक द सिंगल कैरेक्टर एंड क्रॉस देम. ओके. व्हिच इज अपोजिट ट्रैक्स. अपोजिट ट्रैक समझते हो. अगर एक लंबा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, छोटा. ठीक है. टॉल है तो उसका ड्वार्फ हो जाएगा. तो इन्होंने इस तरह का अपोजिट ट्रैक्स का कैरेक्टर लिया और एक कैरेक्टर और उसका अपोजिट. ठीक है. तो यहाँ पे क्रॉस कराया इन्होंने टॉल को ड्वार्फ. ठीक है. तो इसको जो डोमिनेंट और रिसेसिव समझते हो. डोमिनेंट रिसेसिव ये वाला हो गया डोमिनेंट और डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव. ठीक है. ये हो गया ड्वार्फ, ये हो गया टॉल. ओके. इन्होंने क्या कराया, इन दोनों को क्रॉस कराया. इन दोनों को जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी. F1 जनरेशन में ये मिला. F1 जनरेशन में इन्होंने बार बार क्रॉस कराया तो बार बार जो क्रॉस कराया तो देखा कि F1 जनरेशन में सेम चीज मिल रहा है, ऐसे यही सब मिल रहा है. तो सारे प्लांट्स क्या है यहाँ पे, टॉल है. बिकॉज टॉल आर द डोमिनेंट हेयर एंड हेयर ऑल्सो टॉल जो है यहाँ पे दोनों जगह क्या है, डोमिनेंट है. तो इसलिए जो डोमिनेंट होता है वही एपियर होता है. तो टॉल डोमिनेंट हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे जेनेटिकली बात कर रहे हैं. ठीक है. और अगर मोर्फोलॉजिकली बात करें तो मोर्फोलॉजिकली भी हमें क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा. पर हम जेनेटिकली बात जब करेंगे तब ना हमें पता चल रहा है कि नहीं, इसमें स्मॉल टी भी है. स्मॉल टी भी है यानी कि जो ड्वार्फ का कैरेक्टर है दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइड द ऑर्गेनिज्म बट इट इज हिडन कैरेक्टर. इट इज रेसेसिव कैरेक्टर. ओके. इट इज हिडन. तो यहाँ F1 जनरेशन में इन्होंने बार बार क्रॉस कराया एंड ही फाउंड द सेम रिजल्ट इन ईच क्रॉस. जितना इन्होंने क्रॉस कराया F1 जनरेशन में क्या मिला इसको, सेम मिला. तो जब सेम मिला तो अब इन्होंने सोचा कि इसमें तो चेंजेस आ नहीं रहे हैं तो इन्होंने क्या कराया, जो F1 जनरेशन था, जो F1 जनरेशन इन्होंने पाया इनको आपस में क्रॉस कराया. इट मींस कि दिस प्रोसेस कॉल्ड सेल्फिंग. क्या कराया इन्होंने, सेल्फिंग कराया. एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेल्फिंग दे ऑब्टेन न्यू थिंग्स. एंड व्हाट इज द न्यू थिंग्स इज दैट कि दोज कैरेक्टर विच आर हिडन इन द F1 जनरेशन दे अपीयर इन द F2 जनरेशन. दोज कैरेक्टर विच आर हिडन इन द F1 जनरेशन रिसेसिव कैरेक्टर एंड इट अपीयर इन द F2 जनरेशन. यानी कि जो वैसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में रिसेसिव था यानी हिडन था, छुपा हुआ था, क्योंकि यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर था तो डोमिनेंट ही अपीयर हो रहा था. टॉल है तो टॉल ही अपीयर हो रहा था, ड्वार्फ अपीयर नहीं हो रहा था. ड्वार्फ था, ड्वार्फ का कैरेक्टर था पर छुपा हुआ था, वो अपीयर नहीं हो रहा था. लेकिन F2 जनरेशन में इन्होंने जब सेल्फी कराने के बाद जो रिजल्ट मिला तो इन्होंने यह पाया कि
लेकिन जो कैरेक्टर छुपा हुआ था वो कैरेक्टर कहाँ अपीयर हुआ? नेक्स्ट जनरेशन यानी F2 जनरेशन में। देखते हैं कैसे अपीयर होता है। तो अब जो ये है कैपिटल T स्मॉल T, इसको क्या करना है? सेल्फिंग करना है। तो जब सेल्फिंग करेंगे पहले ये दोनों को इसके साथ करते हैं, टी के साथ क्या मिलेगा? कैपिटल टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से करेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। अब बच गया ये, इससे कैपिटल टी को करेंगे तो क्या मिलेगा? नॉट स्मॉल टी से, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बिकॉज डोमिनेट प्रेफरेंस द फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, देन हियर स्मॉल टी विल बी अपीयर। सो नाउ सी दीस आर द रिसेसिव कैरेक्टर व्हिच इज द ड्वार्फ कैरेक्टर विल अपीयर इन द F2 जनरेशन और नॉट। दीस आर द रिसेसिव कैरेक्टर एंड दीस आर द हियर डोमिनेंट, इट्स पार्ट, इट्स कंप्लीटली डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर। यहां पे कंप्लीटली क्या हुआ? डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर हुआ और यहां पे कंप्लीटली रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर। कि F1 में क्या मिल रहा था? टॉल ही सब मिल रहा था, सारे प्लांट्स। तो इन्होंने जब करा तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स टॉल मिले, लेकिन जब इन F1 जनरेशन को आपस में सेल्फिंग कराया तब इन्हें क्या प्राप्त हुआ? इन्हें जो है 3 टॉल प्लांट्स और एक ड्वार्फ प्लांट्स ऑब्टेन हुआ। तो हमने अभी क्या कहा कि 3 टॉल प्लांट्स और 1 ड्वार्फ प्लांट, ध्यान से सुनना। तो 3 टॉल प्लांट्स कहा तो यहां पे कैपिटल टी है, इसलिए यहां पे तो ऑलरेडी कैपिटल टी है तो हम टॉल बोल दिए। यहां पे टी है तो यहां पे टॉल बोले। तो ये हम जो बोल रहे हैं कि 3 टॉल, यानी ये हम मॉर्फोलॉजिकली बोल रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकली समझता हो? यानी किसी को देख करके, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 बच्चा है, ठीक है, 4 बच्चा है जिसमें से कि हमारे अंदाज से ये लग रहा है कि ये 3 जो है ज्यादा लंबा है, तीनों मतलब एक बराबर में लंबाई है और एक थोड़ा सा उससे छोटा है, ठीक है। तो हम ये देख करके बोल दिए कि ये तीनों लंबा है और ये एक ड्वार्फ है, ठीक है। तो हमने देख करके बोला है, जब हम इन तीनों का जेनेटिकली स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि जो तीनों टॉल है, हो सकता है ये वाला जीन इसमें हो इसलिए टॉल हो सकता है ये वाला हो इसलिए टॉल हो सकता है ये वाला हो इसलिए टॉल हो, ये हो सकता है। लेकिन जब हम मॉर्फोलॉजिकली देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें कौन सा जीन्स प्रेजेंट है और कौन सा नहीं है। तो हमने सिंपली कहा कि देखने में हमको लगा कि टॉल है इसलिए बोल दिया कि टॉल है। इसलिए इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा, फिनोटिपिक का मतलब है जो मॉर्फोलॉजिकली हम देख करके बोले, तो जो फिनोटिपिक होगा यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपीयर हुआ है, जो उसको देख के बोले तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा। जब हम इसको जीनोटिपिक रेशियो में देखेंगे यानी जेनेटिकली देखेंगे तो 1:2:1 होगा। कैसे 1:2 होगा? तो इस तरह का जीन कैसा है और कहीं है? नहीं है इसलिए 1 होगा। इस तरह का कितना है? 2 है इसलिए 2 होगा। इस तरह का कितना है? 1 होगा। तो जेनेटिकली हम देखेंगे तो इस तरह से हम जेनेटिकली यानी जीनोटाइप निकालते हैं 1:2:1। तो ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये तो सबसे पहला कैरेक्टर हुआ जो मेंडल से, इन्होंने लगभग अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 साल काम किया है इस वाले, 7 साल इन्होंने काम किया है और इन्होंने 7 कैरेक्टर लिया। कितने कैरेक्टर लिया? 7 कैरेक्टर लिया। तो कौन कौन से 7 कैरेक्टर लिया? सबसे पहला था स्टीम हाइट। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है फ्लावर पोजीशन। तीसरा है सीड पॉड कलर, पॉड शेप।
तीसरा है, नेक्स्ट है सीड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। जो मेंडल्स ने 7 कैरेक्टर लिया था, दिस 7 कैरेक्टर आर हियर। स्टीम फर्स्ट आर स्टीम हाइट, दूसरा फ्लावर कलर, तीसरा फ्लावर पोजीशन, चौथा पोड शेप, पांचवा पोड कलर, छठा सीड शेप और सातवां सीड कलर। ठीक है, क्या और इन्होंने क्या इसका लिया था ट्रेड्स, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो फ्लावर कलर लिया था इन्होंने वायलेट या व्हाइट, वायलेट या व्हाइट। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, एक्सियल टर्मिनल समझते हो, एक्सियल टर्मिनल ये प्लांट्स हैं। ठीक है, ये यहां से अगर फ्लावर निकल जाए यहां से तो ये हुआ एक्सियल। ठीक है, यदि ये फ्लावर यहां से निकले यानी कि ये सीधा टिप पर से निकले, सीधा टिप पर से, तो ये हो गया टर्मिनल। ठीक है, एक्सियल यानी कहीं के बीच से फ्लावर निकल रहा है तो हो गया एक्सियल, और अगर सीधा निकल रहा है तो टर्मिनल। ठीक है, पॉट का कलर, पॉट का कलर हो गया ग्रीन, येलो। पॉट का शेप हो गया इनफ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। सीड का कलर हो गया, देखो सीड का कलर जस्ट इसका पॉट कलर के अपोजिट होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा येलो ग्रीन। ठीक है, और सीड का कलर हो गया येलो ग्रीन, और सीड का शेप हो गया राउंड। ओके, राउंड एंड रिंकल। तो दीज आर द 7 ट्रेट्स ऑफ द मेंडल्स व्हिच ही यूज्ड एंड व्हिच ही टेकन द 7 कैरेक्टर, दैट इज द स्टीम हाइट, टॉल और ड्वार्फ, फ्लावर कलर वायलेट और व्हाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, पॉट कलर ग्रीन या येलो, पॉट शेप इनफ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड, सीड शेप राउंड रिंकल, सीड कलर येलो और ग्रीन। ठीक है, तो हमने जो ये वाला लिखा है, जो इस साइड वाला होगा यानी इस साइड वाला होगा, ये क्या होगा डोमिनेंट होगा। जितना भी ये साइड टॉल, ये वाला टॉल, वायलेट, एक्सियल, ग्रीन, इनफ्लेटेड, राउंड, येलो, ये जितने भी होंगे ये सभी क्या होंगे डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे। ठीक है, और इसके अपोजिट जैसे जो ड्वार्फ है, वाइट है, और फिर क्या कहते हैं टर्मिनल है, येलो है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, रिंकल्ड है, और यहाँ पे ग्रीन है, ये सभी क्या होंगे रेसेसिव कैरेक्टर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले F1 जनरेशन में ये वाले अपीयर होंगे, और ये वाले जो रेसेसिव कैरेक्टर दे विल अपीयर इन द F2 जनरेशन। ठीक है, तो मेंडल्स टेक दिस 7 कैरेक्टर एंड क्रॉस एंड रिजल्टिंग द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ही फाइंड द ही डूइंग द मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड ही फाइंड द रिजल्ट F1 generation is same and F2 generation differ from the F1 generation because here completely recessive character will be also appear in the F2 generation. So here monohybrid cross is 3:1, phenotypic genotypic ratio is 1:2:1. तो ये वाले objective questions में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। और Mendel's के जो 7 character इन्होंने जो लिया है, ये 7 character इन्होंने, तो इनको भी रिमेम्बर रखना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक। ओके।